नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्लेन कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो हम सलवार वाले फैब्रिक के साथ में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइनों वाला फैब्रिक है, ये हमारे पास सलवार वाला होगा, और जो प्लेन फैब्रिक है, ये हमारे पास कमीज का है, जिसमें से हमने यहाँ पे कटिंग की हुई है फ्रंट की। इसमें बहुत ही प्यारा सा हम आपको डिजाइन बना करके दिखाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है, जिसको पेपर फ्यूज भी बोलते हैं। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई होगी तकरीबन हमारी 6 इंच की होगी। सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे सीधा, इसके बाद हम ब्रॉड लेंथ देखेंगे। यहाँ पे जितनी भी आपने रखनी है, जैसे हमने यहाँ पे रखनी है 8.5 इंच, तो हम 4.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो डीप लेंथ रखनी है, वो रखनी है हमें यहाँ पे 3.5 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 पे मार्क करेंगे। अगर आपको कम ज्यादा रखनी है तो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। यहीं से हमें जो इस तरीके की बोट नेक वाली शेप डालनी होती है, इसके बाद हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच के ऊपर। ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। इसको भी हम एक दूसरे से ऐसे मिला लेते हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से कट डालेंगे एक ऐसे। अब हमें कटिंग करना है। यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। और इस पॉइंट पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पैर का गैप रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे, बाहर की साइड जो हमने निशान लगाया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक लाइन की अपनी कटिंग कर ली है, जो कि तैयार जब होके आएगा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। ये हम पेस्ट कर लेते हैं इस फैब्रिक के ऊपर, जो लाइनों वाला हमारे पास सलवार वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर यहाँ पे इसको अच्छे से चिपका लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे 1/4 इंच का या 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस साइड से सीधी कटिंग करेंगे। तो ये नेक तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। अब हमें नीचे के लिए पट्टी तैयार करनी है सीधी। 3 पट्टियां लगाएंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ये जो हमारे पास फैब्रिक है, इसको हम इसमें से ही तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस तरीके से इसको चिपका लेंगे पेपर पेस्टिंग को। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। जितनी चौड़ाई की हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है, एक लगाएंगे सेंटर में और 2 लगाएंगे सेंटर की साइडों में। तो
तो यहाँ पे इसी हिसाब से इनको प्रेस से अच्छे से सेट करते हुए पहले जमा लेते हैं प्रेस से, ताकि फिनिशिंग के साथ हम इनको लगा पाए। एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सेंटर के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी ये जमा ली है, बाकी की दो और पट्टी सेम इसी साइज की तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीन पट्टी यहाँ पे अपनी अच्छे से प्रेस से सेट कर ली है, और ऊपर की नेक लाइन भी कटिंग करते हुए प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और करते हैं इस डिजाइन की स्टिचिंग। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम नेक लाइन तैयार करते हैं। नेक लाइन जो हम तैयार करेंगे वो इस साइड से पहले तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो हमने पेपर पेस्टिंग वाली नेक लाइन कटिंग की है इसी के साथ साथ बाहर वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जहां पे नोक आएगी नोक के ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहां पे क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। कट लगाएंगे इस तरीके से, और सेंटर पॉइंट जो होती है नोक होती है, नोक में सिलाई के नजदीक तक कट लगाते हैं। अब दोस्तों आप ये जो चीज देख रहे हो गोलाई, गोलाई में हमें हल्के हल्के इस तरीके से कट लगाने होते हैं। अगर हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो गोलाई में क्या होगा, ये अच्छे से बैठ जाएगी पूरी प्रॉपर गोलाई। ऐसे हमने कट लगा लिए हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं नोक निकालते हुए, यहाँ पे इसको ऐसे पलटेंगे। अब हम प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेस से दोस्तों हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाते हैं। अब ये नेक लाइन हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने डबल कर लिया है, तो बीच में से जब हमने नेक लाइन कटिंग की थी तो ये फर्मा हमारा बीच का निकल जाता है, ये अब हमारे काम आएगा। इसको हम गोलाई कटिंग करने के लिए रखते हैं, तो यहां पे इसमें निशान लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जितना हमें मार्जिन लेता है लेना होता है, जैसे एक पैर का लेना है तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम बराबर मार्जिन रखते हुए इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हमें फ्रंट लेना है और फ्रंट में ये नेक लाइन ज्वाइंट करनी है। फ्रंट के ऊपर हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रखते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं उल्टी साइड, क्योंकि ये पलटने के बाद सीधी साइड आ जाएगा हमारा। और आप यहाँ पे निशान लगा लें ताकि फर्क ना आए, जिस एंगल में हमने ये रखा है सेम उसी एंगल में हमें यहाँ पे ये तैयार करना है।
हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। गोलाई में हल्के हल्के इस तरीके से कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगेंगे। अब हम नेकलाइन को सीधी साइड पलटेंगे ऐसे, और आप चाहे तो प्रेस से अच्छे से सेट कर ले, या आप इसी तरीके से भी यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगानी है, जिससे कि ये नीचे वाला मार्जिन जो है हमारा पूरा दब जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये नेकलाइन अपनी तैयार कर ली है। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी आपको इस साइड में धागे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने कम मार्जिन लिया है और ऊपर से उसको दबा दिया है अच्छे से, तो यहाँ पे बड़ी ही फिनिशिंग आएगी ऊपर और नीचे। अब हमें सेंटर पॉइंट में पहले एक पट्टी लगानी है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ऐसे रखेंगे पट्टी को, हम यहाँ पे दूसरी पट्टी साइड में लगाएंगे। जो ये सेंटर वाली पट्टी है इससे हम तकरीबन एक इंच इसको कम रखेंगे, लंबाई में एक इंच कम रखेंगे, ऊपर से बिल्कुल बराबर रखेंगे, नीचे से एक इंच कम कर देंगे। दो पट्टी हमने कंप्लीट की है, तीसरी पट्टी भी सेम इसी साइज की हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरी पट्टी भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है सेम इसी साइज की, और यहाँ पे हमने तीन बटन ऊपर की साइड लगाए हैं और तीन बटन हमने नीचे की साइड लगाए हैं। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे डिजाइन बना करके आपको दिखाया है, और ये देखने में जितना प्यारा है बनाने में उतना ही आसान भी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।